सो भाई साहब ये रही भाई वो यमहा की बाइक FZS जो में भाई फुल मॉडिफिकेशन करवा दिया गया भाई, पूरा भाई बाइक फुल मॉडिफाई हो चुकी है। थर्ड पर है भाई 87, फोर्थ पर ये रही यमहा की FZS वर्जन 2 जो कि भाई पूरी की पूरी मॉडिफाई हुई हुई है, और आपको दिख ही रहा होगा भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ इसमें मॉडिफाई करवाया गया है। जैसा कि देख सकते हो भाई यहाँ पर रैप पूरा का पूरा रैप कर चेंज करवा दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टिकर का यूज़, और भाई इसका एलॉय व्हील जो आता है भाई ब्लैक में, एलॉय व्हील को भाई गोल्डन कलर का पेंट करवाया गया, काफ़ी खतरनाक फिनिशिंग के साथ भाई पेंट हुआ है। काफ़ी सारा इंडिकेटर ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है, ये भाई पूरा रैप बाइक का आफ्टर मार्केट करवाया गया। सब एक बार इसका कोई एग्जॉस्ट भी सुना ही देता हूँ, ये एग्जॉस्ट सुन लो इसका। हेलो, यहाँ पे वीडियो है, ये वाला ये वीडियो था ना, ये इधर देखो। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो भाई सो ये रही अपने सामने अपनी NS 200 जिसको भाई अपन 2-3 दिन से राइड नहीं कर पा रहे थे ठीक से। इससे पिछला वीडियो आपने देखा था, बस वो लास्ट राइड किया था, उसके बाद बाइक भाई खड़ी थी, उसके बाद बाइक का कंडीशन देख सकते हो आप किस तरीके से भाई गाड़ी में धूल और डस्ट जमा हुआ है, और भाई पीछे यहाँ पर टेल्टेडी जब अपन कराए थे उसके बाद हाल देखो यार, यहाँ पर नंबर प्लेट पर देखो ये भाई पीछे का मडगार्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि भाई बरसात आ रहा है, रेनी सीजन आ रहा है, तो भाई पीछे का मडगार्ड अपने को लगाना पड़ेगा। और भाई बाकी अभी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है, वो सब चीज़ को भी भाई अलग करो क्योंकि अभी अपन बाइक को वॉश करा नहीं पाए, काम में बिजी थे। तो कल भाई बाइक को वॉश करा कर इस पर मस्त वीडियो शूट करेंगे। अभी तो अपन चल रहे हैं सीधा इधर से, भाई पेट्रोल इसमें नहीं है तो पहले पेट्रोल फिल अप करवाने के लिए। सो भाई सब बाइक का हाल देखो यार, मीटर से लेकर टैंक काफ़ी ज़्यादा गंदा है, तो आज तो अपन रील्स वीडियो शूट करने वाले हैं नहीं अपन एक, और भाई आज का वीडियो अपन एक दूसरी बाइक पे भी शूट करने वाले, तो अपन यहाँ से चल रहे हैं पहले भाई सीधा पेट्रोल पंप इसमें फ्यूल अप कराने के लिए, उसके बाद भाई बाइक एक काफ़ी खतरनाक बाइक दिखाने वाले हैं, पूरी मॉडिफाई बाइक है भाई, फुल मॉडिफिकेशन उसमें किया हुआ है, यमहा की बाइक है। तो बस भाई चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप के पास, पेट्रोल पंप जाते हैं वहाँ से जाकर फ्यूल अप करवाते हैं, और भाई बाइक को आज वॉश कराने का तो टाइम है नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट समझो कि 5 बज चुका है। यहाँ पर मौसम देखो भाई क्या खतरनाक मौसम हो रखा है, 1-2 दिन से भाई मौसम काफ़ी ही ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन भाई अभी ठीक भी लग रहा है लेकिन थोड़ा मौसम ख़राब भी हो चुका है। सब भाई सब पहुंच चुके हैं यहाँ पर पेट्रोल पंप, और यहाँ पर पहले फ्यूल अप कराते हैं, यहाँ पर तो कहे नहीं रे भाई। भाई सब यहाँ पर और ये बाबा कहाँ है, ये रहा आईडी निकला रहे हैं, मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा है बाबा, बहुत ज़्यादा। अरे यार पेट्रोल वाला भी वीडियो है, हाँ वो वाला वीडियो, वही वीडियो दिखला रहे हैं, मेरा भी, हाँ तुम्हारा भी वीडियो है। हेलो, यहाँ पे वीडियो है, ये वाला ये वीडियो था ना, ये इधर देखो। मोंटू बॉस के भाई जो पेट्रोल पंप पे वीडियो बनाया था वही वीडियो इनको देखना था, तो भाई चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया यहाँ आधा। सो भाई साहब ये रही भाई वो यमहा की बाइक FZS जो कि इसमें भाई फुल मॉडिफिकेशन करवा दिया गया भाई, पूरा भाई बाइक फुल मॉडिफाई हो चुकी है। आगे रुक के आपको पूरा इसका भाई दिखलाएंगे क्या क्या चीज़ इसमें रैप हुआ है, क्या क्या चीज़ इसमें भाई चेंज हुआ है। तो भाई पहले आपको बता दूँ ये है भाई यमहा FZS वर्जन 2, अभी भाई वर्जन 3 आ चुका है, और भी ये काफ़ी पुराना वर्जन 2 भाई, काफ़ी पुराना मॉडल है, लेकिन बाइक को देखोगे भाई, कंडीशन देखोगे बाइक का तो भाई पूरा वेल मेंटेन कंडीशन में बाइक है, फुल राइप करवाई हुई है भाई। अभी आगे रुक के आपको बाइक का पूरा कंडीशन दिखाने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीज़ चेंज हुआ भाई वो दिखाने वाले हैं। आगे देख रहे हो भाई आगे हैंडल और मीटर तो भाई आपको लग रहा है अभी सेम है, सब कुछ सेम है, बाकी भाई ये बाइक आती है जिस कलर में वो कलर इसका पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, पूरी की पूरी बाइक रैप है भाई। तो यहाँ पर रुक कर आपको पहले मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर साइड में बाइक को रोकता हूँ, और ये यहाँ पर आपको भाई दिखाता हूँ। सो भाई सब ये रही यमहा की FZS वर्जन 2 जो कि भाई पूरी की पूरी मॉडिफाई हुई हुई है, और आपको दिख ही रहा होगा भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ इसमें मॉडिफाई करवाया गया है। जैसा कि देख सकते हो भाई यहाँ पर रैप पूरा का पूरा रैप कर चेंज करवा दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टिकर का यूज़, और भाई इसका एलॉय व्हील जो आता है भाई ब्लैक में, एलॉय व्हील को भाई गोल्डन कलर का पेंट करवाया गया, काफ़ी खतरनाक फिनिशिंग के साथ भाई पेंट हुआ है, काफ़ी खतरनाक। और आगे भी सेम वही चीज़ है भाई, वहाँ पर भी रैप करवा दिया गया है, और यहाँ पर भाई ये सब पार्ट पूरा चेंज हुआ है, उसके बाद रैप हुआ है भाई, ये सब पार्ट जो था इसका पूरा डैमेज था, ये पार्ट
ये सब पार्ट में भाई पूरा पार्ट में काफ़ी डिटेलिंग के साथ रैप करवाया गया है। ये सब स्टिकर काफ़ी डिटेलिंग के साथ यूज़ किया भाई, और काफ़ी मैच कर रहा, लग रहा है कि भाई बाइक ऑल न्यू शोरूम से यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ अभी जो आपको दिख रहा है कोई भी ऐसा चीज़ है भाई वो लग नहीं रहा है कि बाइक काफ़ी पुरानी है, जबकि भाई ये बाइक है FZS वर्जन 2 और इसमें भाई LED इंडिकेटर भी यूज़ किया गया है। ये देख सकते हो काफ़ी प्यारा इंडिकेटर, अभी मैं आपको यहाँ पर जला कर दिखा रहा हूँ, ये देखना आप, ये रिकॉर्ड करो भाई। इंडिकेटर ये आफ्टर मार्केट लगाया गया है, ये भाई पूरा रैप बाइक का आफ्टर मार्केट करवाया गया, और यहाँ पर देखो भाई ये गोल्डन कलर का यहाँ पर इसको पेंट, ये पेंट कराया गया है, LOY व्हील पेंट कराया गया है, और बाकी भाई लुक देखो तो लुक काफ़ी ख़तरनाक है। और भाई अब बात तो भाई सब यही सब इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराया गया, क्योंकि स्टॉक में जो आती है बाइक वो इससे पहले आपको मैंने दिखाया था भाई स्टॉक में उसका क्या था, वो वर्जन 3 थी, इसकी तरह सेम थी लेकिन भाई वो वर्जन 3 बाइक थी इसका, इससे पहले अपने चैनल पर वीडियो आ चुका है। ये भाई वर्जन 2 FZS वर्जन 2 यहाँ पर देख सकते हो, वर्जन 2 का यहाँ पर स्टिकर भी लगाया गया, पूरा भाई बाइक को रैप कराया गया। अब भाई सो भाई साहब एक बार इसका कोई एग्जॉस्ट भी सुना ही देता हूँ, ये एग्जॉस्ट सुन लो इसका, काफ़ी खतरनाक एग्जॉस्ट है भाई। यहाँ पर भाई पहला गियर डाल दिया और यहाँ पर बाइक को भगाता हूँ थोड़ा। सो भाई साहब फर्स्ट गियर पे 41 तक जाती है, सेकंड पे 66, थर्ड पर देखता हूँ, थर्ड पर है भाई 87, फोर्थ पर यहाँ पर टर्निंग है भाई, फिर से यहाँ पर भाई थर्ड गियर भगा रहा हूँ। आगे भाई अपने भाई ले आगे अपनी NS को लेकर भाई लेकर जा चुका है, यहाँ पर अपन चला रहे हैं यहाँ की FZ को भाई, इसका भगा यहाँ पर टॉप एंड जो यहाँ पर पूरा कर नहीं सकते, इसलिए भाई यहाँ पर नॉर्मल फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर आपको दिखा रहा हूँ बस। ओ भाई साहब काफ़ी खतरनाक यार, काफ़ी खतरनाक इस बाइक में भाई, जो इस बाइक में भाई आफ्टर मार्केट काफ़ी ज़्यादा काम कराया गया, काफ़ी भाई डिटेलिंग के साथ काम किया है इसमें जिसने भी किया है भाई, बाइक को रैप किया है जिसने भी, काफ़ी खतरनाक रैप किया भाई, लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि भाई ऑल ब्रांड न्यू बाइक शोरूम से लेकर आ गया है यहाँ पर यार, लेकिन बाइक पूरी रैप हुई हुई है, काफ़ी खतरनाक तरीके से काम करवाया गया है। अपन भाई स्लीपर में ही व्लॉग शूट कर रहे हैं, अपने शू लेकर आए, बस आए थे इधर नॉर्मल एक राइड करने के लिए, और भाई हेलमेट लेकर आ गया तो मैं सोचा चलो एक ब्लॉग शूट कर लेता हूँ भाई। एग्जॉस्ट के ऊपर कोई काम नहीं कराया गया, स्टॉक ही एग्जॉस्ट है, वो भी चेंज रहता तो भाई काफ़ी ख़तरनाक लगता, क्योंकि बाइक में भाई काफ़ी ज़्यादा काम करा दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बाइक में खर्च हुआ भाई मॉडिफाई करवाने में बाइक को। अभी चल रहे हैं भाई सीधा यहाँ से कैफे चल रहे हैं अपन, वहाँ पर बैठ कर कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद वहाँ से अपनी NS को लेकर निकलेंगे। पिकअप तो भाई इसका काफ़ी ख़तरनाक पिकअप है, यहाँ पर तो भाई पूरा रश भगा नहीं सकते, यहाँ पर आराम आराम से ही चलना है यहाँ पर, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, देख ही रहे हो आप लोग। और मैं सोच रहा हूँ भाई अपने NS का वो जैसे मैंने आपको दिखाया उसका मडगार्ड में लगा ही लूँ, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है। सब अब अपन आ चुके हैं अपनी NS पे और भाई सीधे यहाँ पर चल रही है भाई, देखो भाई की बाइक FZS। ओ भाई साहब अरे क्या कर रहा भाई, मार्केट में इतना स्पीड पाड़ा भाई, ले मरेगा ये सब। ओ भाई साहब चल रहे हैं भाई सीधा यहाँ से अपन घर की ओर। और भाई एक बात और बताना था आप लोगों को, क्योंकि भाई अपना रमज़ान 2-3 दिन में भाई रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, और भाई रमज़ान में तो आप लोगों को पता है मोटो व्लॉगिंग तो भाई इम्पॉसिबल है, मेरे से तो भाई पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि रमज़ान में अपन को जाने वाले नहीं है और कोई भी ऐसा वीडियो शूट करने वाले नहीं है, क्योंकि भाई रमज़ान के टाइम घर पर रहेंगे ज़्यादातर। तो भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं भाई मोटो व्लॉगिंग भी बना किया जाएगा, जब जैसा टाइम मिलेगा भाई मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे, ऐसे भाई नॉर्मल व्लॉगिंग करने के लिए नॉर्मल व्लॉग आएंगे भाई, वो भी डेली नहीं आ पाएगा व्लॉग्स, क्योंकि भाई रमज़ान में डेली व्लॉग्स करना भाई बहुत ही हेडेक है, रमज़ान में भाई साहब डेली व्लॉग नहीं हो पाएगा, और मोटो व्लॉग तो मेरे को लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, ऐसे भाई जो जो चीज़ रहेगा मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड, मतलब अपन को जाएंगे तो भाई व्लॉग करते हुए साथ में चले जाएंगे तो वो व्लॉग कर सकते हैं, ऐसे तो कोई ऐसा व्लॉग शूट होने वाला नहीं है, ना ही स्ट्रीट रेस, ना ही कोई भाई ड्रैग रेस, ना ही कोई बाइक के ऊपर वीडियो, क्योंकि भाई रमज़ान समझो कि अब रमज़ान भाई बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुका है, और अपन ऐसे भी तो वीडियो अभी शूट हो नहीं पा रहा था, लेकिन रमज़ान में तो भाई और वीडियो कुछ नहीं शूट होने वाला है, आज ये भाई वीडियो बन गया, इसके बाद देखो अब कब शूट करते हैं, कब अपन डालेंगे वीडियोस। अभी
बाइक में भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है, बाइक में थोड़ा बहुत काम कराना है। बाइक का भाई सर्विस का टाइम आ चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ रमज़ान से पहले क्यों ना एक बार जाकर इसका सर्विस वर्विस करवा दिया जाए, बाइक को एकदम फिट एंड फाइन करा देते हैं। और भाई बाइक कभी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, इसलिए अपन रील्स वीडियो शूट तो किए ही नहीं है, और एक दो दिन पहले से भी नहीं कर रहे हैं रील्स वीडियो शूट। काफ़ी ज़्यादा भाई कोढ़ी हो चुका हूँ मैं, अभी कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। और भाई देखो, अगर आप लोग भाई डेली व्लॉग देखना पसंद करोगे तो मैं रमज़ान में भाई डेली व्लॉग करूँगा, बस नॉर्मल भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं गांव से व्लॉग करता हूँ, तो गांव से मतलब गांव में जो चीज़ होगा भाई, जो चीज़ करना रहेगा करेंगे, वैसा ही उसी टाइप का व्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि भाई मोटो व्लॉग तो इम्पॉसिबल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको भाई, मोटो व्लॉग नहीं हो पाएगा, ना ही ऐसा कुछ अपन को बाहर जाने वाले रमज़ान के टाइम कहीं भी घूमने का ऐसा सीन नहीं है, ना ही बाइक से कहीं जाने का सीन है, तो रमज़ान में भाई नॉर्मल व्लॉग आएगा, देखेंगे भाई अगर अच्छा रिस्पांस आएगा एक दो दिन करेंगे, वीडियोस बना कर अपलोड करेंगे, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस अच्छा प्यार आएगा भाई उस वीडियो पे, तो भाई फिर रमज़ान में पूरा दिन भाई डेली वीडियोस बनेगा। सो भाई लोग चलो ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और भाई जितने लोग चैनल पर न्यू आए हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,